अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के क्विज़ नंबर 3 का सॉल्यूशन। बट क्विज़ शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज एंड पेपर्स के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ क्विज़। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन द FA एग्जामिनेशन 24 कैंडिडेट्स ऑफर्ड स्टेटिस्टिक्स। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द सब्जेक्ट बी 1/3, व्हाट विल बी द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। यानी आप जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और इसको मीन को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 3 3 8 24 होता है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 8। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज लेट एक्स एंड वाई बी टू रेंडम वेरिएबल्स, दैन द कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई will be equal to e of x minus e of x multiply y minus e of y। ठीक है, ये आंसर इसका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट। आंसर इज द रिजल्ट वन ट्रायल डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन एनी अदर ट्रायल। यानी सक्सेसिव जो ट्रायल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एफ ऑफ एक्स वाई इज 1, देन व्हाट विल बी द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स मार्जिनल PDF एच ऑफ वाई। आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज if value of p is smaller or lesser than 0.5 then binomial distribution is classified as skewed to right। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर सेड टू बी स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल पॉसिबल पेयर्स वैल्यूज एक्स एंड एक्स आई वाई जे द जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द डैश ऑफ द टू मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस। आंसर इज प्रोडक्ट, यानी दोनों के प्रोडक्ट लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, कोरिलेशन ऑफ -0.5 वुड इंडिकेट अ स्कैटर प्लॉट इन विच द स्लोप इज़ डाउनवर्ड। यानी माइनस है, नेगेटिव स्क्यूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज इन हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन द फॉलोइंग कैंडिडेट कंडीशन इज वायलेटेड, इंडिपेंडेंस ऑफ ट्रायल। ठीक है, इंडिपेंडेंस की जो कंडीशन है वो वायलेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज फॉर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन p ऑफ x इज इक्वल टू 1, ये आपके पास है, और द मीन वैल्यू यानी यहाँ पर म्यू जो होता है, यानी ये माइनस म्यू और ये म्यू रेज टू पार राइट की हुई है, ये म्यू, ये हमारे पास जो है म्यू यानी मीन वैल्यू जिसे बोलते हैं उसकी वैल्यू है 0.135, चाहे ये हो दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो ये आंसर आएगा 0.135। लास्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज द मीन एंड द कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स कैन बी ऑब्टेंड बाय इंटीग्रेटिंग द प्रोडक्ट एक्स एफ ऑफ एक्स। सो हमने कंप्लीट कर लिए, वी हैव कंप्लीटेड 10 MCQs ऑफ STA 301 क्विज नंबर 3। और एज़ यूजुअल मैं आप लोगों को बताती होती हूँ, थोड़ा सा ये क्विज़ आप लोगों को मुश्किल लग सकता है, इसलिए आप 4-5 जो सेट्स हैं वो ज़रूर एट लीस्ट की बात करें, जितने आप लोग देख लें तो अच्छी बात है। एक तो आपके करंट क्विज़ भी प्रिपेयर हो जाता है, साथ साथ आप लोगों के जो अपकमिंग एग्जामिनेशन होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, उसकी प्रिपरेशन भी क्विज़ के लिए हो जाती है। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।